स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नोटिफिकेशन है SBI की तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्मर्स एक्स सर्विस में। तो यहाँ पे रूम कंट्रोलर है और मतलब क्लरिकल कैडरी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलिजिबल, अगर एक्स सर्विस मैन है तो आप एलिजिबल हैं। और देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 6 सितंबर से, और चलेगा आपका 5 अक्टूबर तक। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपका नवंबर दिसंबर में हो सकता है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड मतलब 10 दिन पहले, ठीक है। तो जो 10 दिन अक्सर रहता है SBI का, 10 दिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले अक्सर देखा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता है। अगर कोई SBI क्लर्क के लिए एग्ज़ाम दे रहा है या PO के लिए SBI में, तो ये बात आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, स्पेशली मेंस के लिए क्या होता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। इसलिए आई होप कि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। और देखिए यहाँ पर है, आप कोलकाता में देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, ये पोस्ट फॉर आर्मर्स है। कोलकाता में हो गया आपका, वेस्ट बंगाल चंडीगढ़ में हो गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, यहाँ पर अपना वैकेंसी आप डिटेल में देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में एक वैकेंसी है जनरल का, और ये पोस्ट फॉर द कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स, यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद हो गया आपका, यहाँ पर अहमदाबाद में आपका 6 टोटल, जनरल का 6 है, टोटल 10 है। फिर उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करें, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इसी डिटेल में देख सकते हैं ये। और यहाँ पर क्या एज ऐसे ना, आपको 20 ईयर्स मिनिमम, 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल, कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगा, तो ये सब पता आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यही सब डिटेल है कुछ नॉर्मली जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, यहाँ पर है आपका आर्मर्स के लिए जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोफेशनल, यहाँ 10-10 क्वेश्चन है, 20-20 मार्क का, 1 घंटा का होगा। बाकी यहाँ पर आपको दूसरे साइड में दिया है, राइट साइड में, ऐसे ही उसी का भी सेम है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ज़रूर ये जॉब के लिए अप्लाई करें, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड हो या कुछ भी। और बहुत ही अच्छा बात है कि एक नोटिफिकेशन आया है, ऐसी करके आगे फ्यूचर में आपका SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ सकता है। तो SBI क्लर्क का भी आप टेंशन ना लें, मैं यही कहूँगा कि देखिए SBI क्लर्क, आप अगर ये देखे होंगे तो ये फेस्टिवल के टाइम में अक्सर देखने को मिलता है, फेस्टिवल या फर्स्ट वीक ऑफ एनी मंथ और लास्ट वीक ऑफ एनी मंथ और फेस्टिवल के टाइम में आपको SBI के तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे SBI PO का नोटिफिकेशन आया है और ये एक सर्विसमैन का नोटिफिकेशन आया है, ऐसे ही आपको SBI क्लर्क का भी बहुत ही जल्द मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।